हेलो गाइस, आइए आज हम लोग बनाते हैं ये अमेजिंग सा डिलीशियस मटन मोमोज विथ चटपटी चटनी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए ये डिलीशियस से मटन मोमोज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मटन मोमोज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पे 2 बड़े प्याज एकदम बारीक से मैंने कूट लिया है, उसे भी मैंने डाल दिया है तेल में। तो इसे हमें फ्राई करना है जब तक ये हल्का हल्का पिंक कलर का ना हो जाए। और इस समय में आपका गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। और डाल दिया है 3 हरी मिर्ची चॉप करके और इसे अच्छे से हम लोग थोड़े फ्राई कर लेंगे। देखिए इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो ही चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 250 ग्राम्स मटन कीमा और इसमें फिर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और फिर से इसे चला लेना है हमें अच्छे से। और फिर हम लोग इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/6 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और फिर अच्छे से फिर से चला के हम लोग इसे ढक लेंगे। लो फ्लेम में इसे ढक के रखना है फॉर 5 मिनट्स और बीच बीच में हमें चेक करके रखना है। देखिए इसका पानी ये छोड़ रहा है, मटन कीमा एकदम अच्छे से पानी छोड़ रहा है। तो हम इसे फिर से लो फ्लेम में ढक के और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट सूख ही चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून गरम मसाला और ये बिल्कुल रेडी है, हमारा मोमो का फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इसे हम लोग अभी एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा मोमो का फिलिंग जब तक ठंडा होता है आइए इसका आटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 2 बड़े कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और फिर गुनगुना पानी से हम इसका डो बना लेंगे। जैसे पूरी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका डो बना लेना है और फिर इसे हमें 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आइए बना लेते हैं चटपटी मोमो की चटनी। तो यहाँ पे मैंने 3 लाल टमाटर ले लिया और इसके पीछे से हमें हल्का हल्का ऐसे चीरा लगा देना है और फिर एक पैन में 1 गिलास पानी में मैंने इन सबको डाल दिया। इसमें डालेंगे 4-5 रेड चिली और इसे हाई फ्लेम में हमें 10 मिनट के लिए उबाल लेना है जब तक टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ्ट होके निकलना शुरू ना हो जाए। देखिए टमाटर का छिलका बिल्कुल निकल रहा है तो मैंने इसे निकाल लिया है। इस तरीके से हमें टमाटर के छिलके को हटा लेना है और सब कुछ एक मिक्सर जार में डाल देना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। फिर मैंने ले लिया है एक पैन में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, फिर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट और फिर डाल देंगे हमारा टमाटर और रेड चिली पाउडर का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून टमेटो सॉस और चीनी। चीनी डाल रहे हैं हम लोग ताकि हमारा सारा फ्लेवर्स बैलेंस आउट हो जाए और बस इसे उबाल लेना है और बिल्कुल हमारी चटपटी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो इसे परोस लेते हैं। इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी 1 धनिया की पत्ती और बिल्कुल रेडी है। तो हमारी चटनी रेडी है। अभी आइए डो को चेक कर लेते हैं। ऐसे डो को फिर से हमें थोड़ा सा घूट लेना है, इसका एक बड़ा सा बॉल बना लेना है और फिर थोड़ा सा सूखा आटा चिरक के हम लोग इसको एकदम पतला बेलना है। आप लोग बस इसका शेप का कोई परवाह मत कीजिएगा, बस इतना इसको यही ध्यान रखिएगा कि जितना पतला हो सके आपसे उतना इसे पतला बेलना है, तभी आपका जो मोमो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और एक कटोरी की मदद से मैं इसे राउंड राउंड करके कट कर लूँगी तो एक ही साथ हमारे 4-5 मोमोज रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग एक एक करके बेलेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और फिर देखिए ऐसे मैं शेप कैसे देती हूँ। अगर आप लोग को गोल वाला आता है तो आप लोग गोल वाला भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसे जो लंबा वाला मोमो होता है मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं वैसा ही शेप देती हूँ। तो इसके हमें साइड साइड से इसे फोल्ड करके बस ऊपर से दबा लेना है और साइड से अच्छे से बंद कर देना है। तो देखिए फिर से मैं एक शेप आपको देखिए दिखा देती हूँ। मोमो का फिलिंग डाल दिया है
और फिर बस आप लोग देखिएगा, पहले मैंने ऐसे एक बार दबा लिया है इसे, फिर साइड साइड से हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऊपर की तरफ दबाते जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल सुंदर सा लंबा शेप का, हमारा जो लॉन्ग शेप का मोमोज होता है वैसा रेडी है। तो आइए इसे अभी हम लोग स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है स्टीमर, और स्टीमर में हम लोग ढेर सारा अमूल बटर लगाएंगे ताकि हमारे मोमोज बिल्कुल चिपके ना। और फिर हम लोग इसमें मोमोज अरेंज कर लेंगे, और फिर ऊपर से फिर से हम लोग थोड़ा सा अमूल बटर लगाएंगे। ये अमूल बटर डालने के वजह से ये और ज़्यादा टेस्टी होता है, ग्लॉसी और टेस्टी बन जाता है। और फिर एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी, और फिर हमारा स्टीमर इसके ऊपर रख के हम लोग इसे ढक देंगे, और फ्लेम जो है वो एकदम लो में कर देना है, और इसे हमें 10 मिनट के लिए स्टीम होने रखना है। और देखिए इसका जो बाहर का जो डो है उसे हमें थोड़ा सा प्रेस करके देखना, अगर ये टाइट हो चुका है मतलब हमारा मोमोज बिल्कुल रेडी है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। ये अमेजिंग सा मटन मोमो इस चटनी के साथ इतना डिलीशियस लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके का शेप पसंद है मोमोज।